और कॉलेज में पता क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं ना, तो ऐसे आपके साथ भी होगा शायद और कई लोगों के साथ 10th से 11th में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि 10th में हम बच्चे होते हैं, 10th से 11th में जैसे एंटर आते हैं भाई हम हाई स्कूल में आ गए, तो पर लग जाते हैं, समझ रहे हो, पर लग जाते हैं। उसका पढ़ना वढ़ना तो भाई राम भरोसे, कहाँ कहाँ बिजी हो जाते हैं, मॉडलिंग में, जिमिंग में, लड़कियों के पीछे, गेमिंग में, पढ़ने में तो ध्यान ही नहीं है भाई साहब का, सोने में, कई लोग तो भाई बहुत पढ़ लिए 10th तक हो गया। आप अपनी लाइफ में 40-35-40 साल के होने के बाद भी अगर अपने माँ बाप को आप खाना नहीं खिला सकते हो एक सिंपल से होटल में, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं थे। मैं नहीं चाहता कि ये दिन मुझे देखना पड़े कि मैं खुद को फीड नहीं कर पा रहा, खुद के माँ बाप को फीड नहीं कर पा रहा, ऐसा दिन मुझे नहीं देखना। देन आई हैव स्टार्टेड हार्ड वर्किंग ऑन मी, ओके, देन आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना, कॉलेज जाना शुरू कर दिया, और उसके बाद आप बिलीव इट और नॉट गाइस, मैं उस कॉलेज में सेकंड टॉपर था, सिल्वर मेडलिस्ट था। और मैं आप सबसे कहता हूं कि आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा दिन आपको भी नहीं देखना। अगर नहीं कर पाए तो उस दिन आप जरूर बोलोगे काश मैं पढ़ लेता। मैं आप सबसे कहता हूं कि वो दिन आप लोगों को नहीं देखना, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं आप सबसे कहता हूं आज अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दो। जज्बा है तो माँ बाप को मतलब अपने सपने पूरे करके बताओ, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी बेटी कुछ कर जाए। और अगर आप लोग उन सपनों को पूरा कर सकते हो तो सामने आओ, पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठने के बाद अपना टाइम टेबल फॉलो करो स्ट्रिक्टली, 21 दिन तक लगातार फॉलो करोगे तो 22वें दिन ऑटोमेटिकली आप उसी वे से चलने लगोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन आपको उस जज्बे के साथ कुछ करना है, और ये दिन कभी नहीं देखना है कि आपको ये कहना पड़े कि काश मैं पढ़ लेता।